इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, सोशल मीडिया के युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके डिजिटल फुटप्रिंट ना हो, और जहां डिजिटल फुटप्रिंट है वहां डिजिटल माध्यमों से आपको बुली करने का, आपको हरास करने का, आपको धोखा देने का काम भी होना बहुत ही आसान हो गया है। ऐसे समय में आकांक्षा अगेंस्ट हरासमेंट इसके लिए लगातार कार्य कर रही है कि आपको किस तरह से इससे बचाया जा सके, और इसके लिए आप उनके वीडियो, उनके पॉडकास्ट, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को जरूर देखें, पढ़ें और उसमें दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो एंड वेलकम टू आकांक्षा श्रीवास्तव फाउंडेशन चैनल। आज हम बात करेंगे गिफ्ट्स की। ओ हाउ वी लव प्रेजेंट्स एंड गिफ्ट्स, क्योंकि गिफ्ट्स एक तरीका है हमें सेलिब्रेट करने का। कोई हमें याद कर रहा है, कोई हमारा स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहा है हमारे साथ। ये एक जस्ट एक छोटा सा ऐसे सिम्बॉलिक होता है कि मतलब यस, हम किसी की यादों में हैं। And we love getting gifts. I love getting gifts. इस बार मेरी बर्थडे पे मैं बॉम्बे में नहीं थी, तो जब मैं वापस आई तो there were so many gifts, mostly books. And I was so excited to see and also you know keep a strict check कि मेरे किस किस फ्रेंड ने नहीं भेजा गिफ्ट। But when I was opening all the gifts, I was also very very careful कि मैं हर sender check करूँ, is this somebody I know? किसी जान पहचान ने ही गिफ्ट भेजा है या नहीं। और अगर उसमें से कोई भी गिफ्ट होता जो मेरे किसी जान पहचान ने नहीं भेजा होता, मैं उसको ओपन भी नहीं करती, अपने घर के अंदर भी नहीं लाती, उसी समय या तो ट्रैश कर देती या रिटर्न टू सेंडर कर देती। व्हाई? इसके दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है, आजकल एक नया स्कैम है जहाँ पे आपको कोई गिफ्ट आएगा एंड इट्स अनएक्सपेक्टेड एंड यू आर सो डिलाइटेड, ओ वाओ आई एम गेटिंग गिफ्टेड। नो नो नो, वी आर ऑल नॉट सो लकी। एंड वो कुरियर वाला आपको बोलेगा I don't know who the sender is, and ये जो courier होगा ये किसी बहुत ही reputed online brand जैसे कि Amazon या Myntra या Flipkart, उनकी packaging में भी आ सकता है। It's not tough to imitate the packaging, and आप इसको accept कर लेंगे, and then you will wonder, of course you will be curious ये gift किसने भेजा। फिर आप उसको open करेंगे तो उसके अंदर एक QR code होगा, and there will be a message saying if you want to know your mystery, you know, gift person, the sender, just scan this code and that is it. अगर आपने curiosity में वो QR code scan किया, उसमें कोई link हुआ जिसको आपने click किया, या कोई OTP आया जिसको आपने fill किया, that really is the end of all information on your phone. वो phishing link हो सकता है, आपके phone की information hack हो सकती है, आपके social media hack हो सकते हैं, आपके bank accounts hack हो सकते हैं, and you could be in a very big trouble just by accepting a small silly gift. And humne ek dusra bada video kiya hai mere channel pe, aap usko zarur dekhe ki iske physical dangers bhi bahut hain. We just don't know, people are so stressed out, kisne kisi anger mein ya resentment mein aapko koi aisa gift bheja jo poisoned ho ya koi aur usme explosive cheez ho, आपको उसको नहीं एक्सेप्ट करना है। और कुरियर वाला अगर टैंट्रम थ्रो करे कि व्हाट इज़ दिस, हमें तो भेजा गया है, आई कॉन्ट टेक इट बैक, एंड मैं आपको एक OTP भेज रहा हूँ, आप मुझे OTP दीजिए तभी ये कैंसिल होगा, जस्ट क्लोज द डोर ऑन देम। डू नॉट गिव देम एनी OTP एंड टेल देम आई डोंट नो वेयर दिस हैज़ कम फ्रॉम, इफ़ यू डोंट लीव आई विल रिपोर्ट यू टू द पुलिस। क्योंकि अगेन द सेम थिंग, ये जो फेक स्कैमर्स हैं, ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो आपको कुछ ऐसा OTP या कोई ऐसे लिंक पे क्लिक करने के लिए बोल सकते हैं जिससे फिर से आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके बैंकिंग अकाउंट्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स ये हैक हो सकते हैं, एंड दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। एंड हमारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आजकल इतने लोगों के पास है, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं उनके पास है, जो वेयर हाउस में लोग काम करते हैं उनके पास है, आपके बिल्डिंग के जो वॉचमैन हैं वो देखते हैं किसके यहाँ ज़्यादा ऑनलाइन पैकेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, किसके कोई बच्चे शायद आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनको सभी नॉलेज होती है
तो वो उस नॉलेज को यूज़ करके किसी और के साथ हैंड एंड ग्लव्स मिलके आपके साथ ऐसा स्कैम कर सकते हैं. सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गिफ्ट्स. कोई भी पैकेज आपके घर में आए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ये बात हमने एक दूसरे वीडियो में भी समझाई है. आजकल जितने भी रेप्यूटेड साइट्स हैं वो आपको एक OTP भेजते हैं व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग योर पैकेज टू अराइव, या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका एड्रेस तो आप पहचानते हैं, योर नोन पीपल. इफ़ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दीज डिलीवरीज, प्लीज़ रिजेक्ट इट. यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी बडी, टू एनी प्लेटफॉर्म. इट्स नाइस टू बी सेलिब्रेटेड, बट दिस कैन ऑल्सो पुट यू इन अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन. हमें कोई भी QR कोड किसी भी अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी पैकेज का स्कैन नहीं करना है. हमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी का कोई भी OTP किसी कुरियर वाले को नहीं देना है. And if you see an Amazon or Flipkart packaging, you can always call the customer care and ask, where is this coming from? Aapke yahan se ye package aaya hai, I was not expecting it. I am telling you, this can land you in physical danger, financial danger, emotional trauma. Please don't do it. You are a gift yourself. Stay aware, stay safe.